ज्यादा ओ मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल ना होए जुदा। मेरा नाम तो हाथों पे अपने लिखे बार हाँ, ऐ काश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा। तू ही मेरा मेरा मेरा, 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 वो ही मेरा मेरा। हेलो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है वनएक्सबेट। ये बहुत ट्रस्टेड ऐप है और इसमें आप गेम खेल के बहुत सारा कैश जीत सकते हैं। इसमें डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना बहुत आसान है क्योंकि ये ट्रस्टेड ऐप है, और इसमें आपको 100% तक का बोनस भी मिलता है जो कि 8,000 रुपये तक का होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, खूब सारा पैसा कमाइए और आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बेटा मधु, तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? अपनी लाइफ मत खराब करो, वो भी ऐसे इंसान की वजह से जिसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं। ये तो आपको मेरी शादी से पहले सोचना चाहिए था पापा, तब तो आपको ये बहुत पसंद है। मैंने तो मना भी किया था कि मुझे शादी नहीं करनी, पर आप लोगों ने क्या कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत वेल सेटल्ड है, कोई बुराई नहीं है, कोई नशे नहीं करता। पता है आजकल के पेरेंट्स की दिक्कत क्या है? शादी के वक्त आप लोग सिर्फ समाज के बारे में सोचते हो, लोग क्या कहेंगे सिर्फ ये सोचते हो, पर कभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते। मैंने कौन सा कहा था कि मेरी लव मैरिज करा दो, पर शादी के लिए थोड़ा सा टाइम ही तो मांगा था। पर लोग क्या कहेंगे, इस वजह से आप लोगों ने मेरी शादी करा दी और अब आप मुझे उनसे अलग होने के लिए बोल रहे हो। क्या अब आपका समाज कुछ नहीं कहेगा? माँ कहती थी शादी एक पवित्र बंधन है, अगर आप उसमें बंध जाओ तो उसे निभाना आपका फर्ज है। और अब चाहे वो कुछ भी करे, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। बेटा मधु, एक बार फिर सोच लो बच्चे, हमसे ये तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती बच्ची। मधु इधर आ। अच्छा बेटा, मैं चलता हूं। मधु बहरी हो गई है क्या? क्या ये? जी वो एकदम से पापा जी आ गए थे तो मैं अभी साफ कर देती हूँ। पूरे दिन घर में बैठी रहती है काम चोर और बहाना बना रही है, बाप आ गया था, माँ गई थी, हटाए सब। जल्दी हटा। खुशबू फैल गई तेरी मेरी रग रग अंदर वे,
तुझे पता है मैं दिन में चावल खाना पसंद है, तो रोटी क्यों लेके आई है? जी वो चावल खत्म हो गए थे तो मैंने सोचा रोटी बना दूं, चावल रात में बना दूंगी। अब तो सोचने भी लग गई, ले जाए इसे और अभी दुकान से चावल खरीद के ला और बना के दे मुझे, ले जाए इसे। जी वो मैं जुबान लड़ाएगी तुम मुझसे, ले जाए इसे। क्या हो गया इन्हें? भाभी जी उसने ज्यादा पी ली। अब क्यों इनको इतनी पिलाते हो? अगर इनको कुछ हो गया तो इसमें आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनको मत पिलाया करो इतना। अरे इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। अबे मोहित तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? और ये तो बता छपीना कहाँ है? देख भाई तू हमसे दूर रह, ठीक है? अबे क्या हुआ ऐसे क्यों बोल रहा है? अबे तेरी वो बीवी। इसमें आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनको मत पिलाया करो इतना। करवा दी मेरी बेइज्जती, क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त? तू ना अपने काम से काम रखा कर, मेरी लाइफ में दखलंदाजी करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Thank you.
मत जाना मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत हो प्रीत। माही वे मोहब्बत सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे, ओ माही वे मोहब्बत सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे। सुनो जी। बोल। ये प्रीत कौन है? मैं अच्छी नहीं हूं क्या? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? बोलो ना, क्या क्या नहीं करती मैं आपके लिए? पूरा दिन कोशिश करती रहती हूं कि कोई गलती ना करूं जिस वजह से आप गुस्सा हो या नाराज हो मुझसे। मुझे ये तो पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, तो आप ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से आप मुझे पसंद करने लगे। थक गई हूं अब मैं, बस अब मुझसे और नहीं होगा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, मैंने भी मान लिया, सोचा कोई बात नहीं, बस भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे समझे, मुझे बहुत सारा प्यार करे। पर आप तो कभी ये तक नहीं पूछते कि तूने खाना खाया या नहीं, बल्कि मेरी जरा जरा सी बातों में मुझ पे हाथ उठा देते हो। घुट घुट के मरती रहती हूं मैं। सब ठीक था, ये भी सह रही थी मैं, ये सोच के कि वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। पर कल रात जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तंग आ गए थे ना आप मुझसे, इसलिए जा रही हूं मैं आपकी लाइफ से दूर, क्योंकि एक लड़की सब कुछ सह सकती है, पर उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ। बेटा तुमने बिल्कुल सही किया, घर आ गई। वो आदमी कभी नहीं सुधर सकता बेटा, कभी नहीं सुधर सकता। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, मत रो।
बोलिए। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। इस एक हफ्ते में मैं जान चुका हूं कि क्या अहमियत है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी तुम, मेरी खुशियों के आगे अपने दुख कभी दिखने नहीं दिए तुमने। और मैं इतना खुदगर्ज इंसान जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। प्लीज वापस आ जाओ मधु, मैं अब कभी पी के नहीं आऊंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, घर के कामों में भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। प्लीज घर वापस आ जाओ मधु। मधु कुछ तो बोलो मधु, मुझे डांट लो, मुझे मार लो, पर प्लीज घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। मधु प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज मधु, मधु। प्रीत, अब कभी कोई नहीं आएगा हमारे बीच। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो ना। तुम्हारी कसम अब मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मधु, मधु मधु प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मधु, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा मैं। सो गाइस, कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल EVR सब्सक्राइब जरूर कर देना, रेड बटन है, बेल आइकन है, दोनों को प्रेस कर देना। और हाँ गाइस, 1xBet अच्छी वेबसाइट है, विजिट करो, खूब सारा पैसा कमाओ। और हाँ गाइस, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं कमेंट करके जरूर बताना, बहुत सारा कमेंट करो, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।